नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डिस्काउंट का यह टॉपिक हम लोग कल पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ छात्रों ने मैसेज किया था कि सर ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया, तो एक बार और पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग इसको एक बार और देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चन आज जिसमें मैंने डाला जिससे कि इसे समझने में थोड़ी और आसानी हो, और कुछ पुराने क्वेश्चन है सबको मिला के आज हम लोग इसको फिर से देखेंगे जिससे कि ये टॉपिक में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे यदि कोई कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन करती है, मान लेते कोई भी वस्तु कंपनी बनाती है, तो कंपनी क्या करती है, इस पर अपना लागत मूल, ठीक है, कंपनी क्या करती है इस वस्तु पर अपना लागत मूल, जितना इसको बनाने में खर्च हुआ है, लागत लगी उसको जोड़ता है, ठीक है, लागत मूल, ठीक, प्लस कितना टैक्स वस्तु पे लगेगा, टैक्स, ठीक है, टैक्स जोड़ के, प्लस क्या है कि इस वस्तु को रिटेलर तक, दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदारों तक पहुंचने में कितना किराया, कितना भाड़ा, ठीक है, और कितने लोग का मुनाफा जुड़ा, सबको उसको भी जोड़ देता है, ठीक है, उस पर जो और एक्सपेंस होते हैं उसको जोड़ता है, और प्लस प्रॉफिट जोड़ देता है, ठीक है, रिटेलर का जो आखिरी दुकानदार होगा उसकी भी प्रॉफिट उसमें 4 रुपये 5 रुपये जोड़ के क्या करता है, एक मूल्य निर्धारित करता है, ठीक है, एक मूल्य निर्धारित करता है जिसे कहा जाता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, या कहें हम अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, या इसी को कहा जाता है एमआरपी, ठीक है, एमआरपी। तो यदि कोई कंपनी कोई वस्तु बनाती है तो उस वस्तु पे जितना लागत लगता है, ठीक है, साथ में उस पर कितना टैक्स पड़ता है और कितने उसके खर्चे हैं, ठीक है, इधर से उधर ले जाने में, साथ में बीच में जितने लोग हैं सबकी प्रॉफिट जोड़ के क्या करता है, एक मार्केट प्राइस या एमआरपी, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस वह अंकित कर देता है कुछ रुपए। इससे अंकित हो जाने से क्या हो जाता है कि ग्राहक को भी फायदा होता है कि उसे एमआरपी से ज्यादा पैसा नहीं देना, या जो अंकित मूल्य है, ठीक है, उससे ज्यादा पैसा उसे नहीं देना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वस्तु उतनी की हो, ठीक है, इसमें सबका प्रॉफिट जुड़ा होता है। लेकिन जब किसी भी दुकानदार को, किसी भी छोटे दुकानदार को अपनी सेल बढ़ानी होती है, ठीक है, जब उसे अपनी सेल बढ़ानी होती है तो क्या करता है, इसी जो अपनी उसकी प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट पे कुछ छूट देता है। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, ये 100 रुपए वस्तु की क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी, इस पे कुछ और लागत मूल्य टैक्स सब जुड़ने के बाद इसका 100 रुपए हो गया था, बाद में इसने दुकानदार ने इस पे 40% क्या जोड़ दिया, प्रॉफिट जोड़ दिया, 40% प्रॉफिट जोड़ दिया, और उसको बिकने के लिए रख दिया 140 रुपया, ठीक है, 140 रुपया मार्केट प्राइस इसने वस्तु पे डाल दी, ठीक है, और इसने बिकने के लिए रख दिया, लेकिन वस्तु बिक नहीं रही है, तो अब दुकानदार ने क्या किया, इसके दाम में कुछ घटाया, ठीक है, इसने बोला कि अब ये सामान 20 रुपया कम दाम पे मिलेगा, मतलब 20% की छूट, मतलब उसने कहा कि अब इस वस्तु को हम 20% की छूट पर बेचेंगे, 20 रुपया नहीं, 20% की छूट पे बेचेंगे, तो कहने मतलब ये 20% उसने छूट दे दिया, कितने पर, 140 पर। अगर 140 पे 20% की छूट दे रहा है तो कहने मतलब वस्तु कितने में बिकेगी, 80% पर बिकेगी, अगर छूट ना देता तो वस्तु कितने बिकती, 100% पे बिकती, लेकिन जब 20% की छूट दे रहा है तो वस्तु कितने बिक रही है, 80% पे, कहने का मतलब अब वस्तु कितने पे बिकेगी, 140 का 80%, 80/100, ठीक है, ये दोनों 0 से काट देंगे, ठीक है, 14 6 14 8 112, कहने का मतलब अब वस्तु बिकेगी 112 रुपये। ये इसलिए किया गया क्योंकि दुकानदार की को अपनी बिक्री बढ़ानी थी, तो उसने क्या किया, छूट दिया। यही जो छूट है इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि ये छूट कई प्रकार से दी जाती है, ठीक है, कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इसी को समझने की कोशिश हम इस चैप्टर में करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, ये थोड़ी समझने में देरी करते हैं, भूल करते हैं, तो हमें ये प्रश्न अच्छे से समझ नहीं आते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलते एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अपने जो डाउट है इसको लेके क्लियर करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य पे 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, ठीक है, एक दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार है, इसने क्या किया, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है
क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। ठीक है, मान लेते हैं वो दुकानदार किसी बड़े दुकानदार से वो वस्तु 100 रुपए में लेके आया था, ठीक है, एक होलसेलर से 100 रुपए में लेके आया। अब अपने दुकान पे लाने के बाद इसने क्या किया, इसका दाम बढ़ा के, ठीक है, 30% बढ़ा के अंकित कर दिया। 100 रुपए की वस्तु थी, 30% उसने दाम बढ़ाया तो वस्तु को कितना दाम रख दिया, उसने 130 रुपया रख दिया। ठीक, अगले स्टेप में कह रहा है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी प्रदान करता है। अब उसका सामान बिक नहीं रहा 130 पे, तो ये क्या कहता है कि अब मैं इस पे 10% का छूट दूंगा। तो 130 पे क्या किया, इसने 10% की छूट दे दी, -10%। ठीक, अब पूछ रहा है प्रश्न में उसे पूरे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अब वस्तु थी कितने की, वस्तु की जो एक्चुअल कास्ट प्राइस थी वो थी 100 रुपये, 30% दाम बढ़ा के उसने 130 रुपया क्या कर दिया, इसका ये मार्केट प्राइस कर दिया। ठीक है, मार्केट प्राइस पर जो इसका मार्केट प्राइस, या कह दें हम इसका जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, ठीक है, इसका जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य है उस पे इसने 10% की छूट दी। कहने का मतलब वो अब वस्तु को कितने में बेचेगा, 90% पे। ठीक है, 90% पे बेचने के बाद वस्तु कितने में बिकेगी, 130 का हम 90% निकाल लें, 130 × 90/100, ये दोनों कट जाएंगे, 13/9 में होता है 117। कहने की मतलब अब वस्तु कितने में बिकेगी, 117 रुपये। वस्तु आई कितने की थी, 100 रुपये की। ठीक है, वस्तु खरीद के लाया था एक होलसेलर से, थोक विक्रेता से 100 रुपये की, अंकित किया उसने दाम 130 रुपया, उसके बाद 10% की छूट दी, वस्तु बिकी कितने में, 117 रुपये में, तो लाभ उसे कितना हुआ, 100 रुपये की वस्तु थी 117 रुपये में बिकी, लाभ कितना हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ उसको 17 रुपये की। ये 17 रुपये की प्रॉफिट कितने रुपए पे हुआ, 100 रुपये पे हुआ, क्योंकि 100 का खरीद के लिए गया था, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 17/100 × 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 17% का क्या हुआ, पूरे व्यापार में लाभ हुआ। तो पूरे व्यापार में लाभ हमारा कितना हुआ, 17%। ठीक है, इसको या तो इस मेथड से हम लोग लगाए, एक दूसरा मेथड होता है, ठीक है, जो हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देता है, उसको देखते हैं, वृद्धि या कमी प्रतिशत जो होता है हमारा। ठीक है, यदि कोई दुकानदार कोई वस्तु लेके आता है, ठीक, उसके क्रय मूल्य से कुछ बढ़ा के वो अंकित मूल्य उस पर अंकित कर देता है कुछ प्रतिशत बढ़ा के, फिर बाद में कुछ प्रतिशत की छूट देता है, तो पूरे व्यापार में जो प्रॉफिट उसकी या लाभ जो होता है वो प्रतिशत होता है, या जितनी उसकी वृद्धि या कमी प्रतिशत, मतलब दाम में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई, या उसके लाभ में कितनी वृद्धि हुई या कमी प्रतिशत अगर हमें निकालना है, तो इसके लिए होता हमारा फॉर्मूला वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर प्लस यक्स, क्योंकि पहली बार आदमी दाम बढ़ाता है, जो डी होता है, डी का मतलब डिस्काउंट, वो क्या होता है, घटाया जाता है, तो माइनस का डी, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -XD/100। इसी फार्मूले पर हम रख के अपने प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इस पे अगर हम रखते हैं तो यक्स का मान क्या है, यक्स का मान यहाँ है 30%, क्योंकि क्रय मूल्य से बस का अंकित मूल्य जो है 30% बढ़ाया गया था, 30 रख देंगे, जो डिस्काउंट दिया गया 10% का -10 कर देंगे, फिर -30 × 10/100, इसको हल करेंगे, 0 से 2 0 कट जाएंगे, 30 से 10 जाएगा तो आ जाएगा हमारा कितना, 20 20 - 3, मतलब आ जाएगा हमारा 17%। तो कहने का मतलब हमारे इस व्यापार में क्या होगा, उसको 17% का लाभ होगा, क्योंकि आंसर क्या है, प्लस में आ रहा है, तो 17% का क्या होगा, लाभ होगा। ये इस तरीके से यदि हम प्रश्न को लगाएंगे तो हमारा प्रश्न कम कैलकुलेशन में ही सॉल्व हो जाएगा, जबकि जो उसका जनरल मेथड था, बेसिक मेथड था, उससे प्रश्न काफी लंबा लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% बढ़ा दिया जाता है। अब क्या कहता है कि उस किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का मतलब हो गया यक्स, अंकित मूल्य, एक मिनट, अंकित मूल्य का मतलब हो गया उसका जो मार्क प्राइस था, MP मार्क प्राइस था, उसको क्या किया गया, उसका जो क्रय मूल्य था CP, उससे क्या किया गया, 20% बढ़ा दिया,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या प्रश्न कह रहा है, उस पर कुछ छूट प्रदान कर दी गई। ठीक है, इस पे क्या हुआ, कुछ छूट प्रदान कर दी गई, बताया नहीं गया, तो मान लेते हैं 2% की छूट प्रदान की गई। ठीक है, यदि पूरे व्यापार में 10% का लाभ होता है, उसके बाद भी यदि पूरे व्यापार में क्या होता है 10% का लाभ होता है, तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम भी फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, वृद्धि या कमी प्रतिशत। वृद्धि ठीक है, लाभ वृद्धि या कमी प्रतिशत। बराबर यक्स माइनस डी माइनस एक्स डी वाई 100। तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता है, मतलब लाभ में वृद्धि कितनी हुई 10%। ठीक है, तो प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही दिया है तो प्लस का 10 हो जाएगा। बराबर यक्स का मान दिया है कि पहले 20% बढ़ाएगा तो 20 रख देंगे, माइनस का डी रखेंगे, डी का मान हमें पता नहीं तो माइनस का डी रख देंगे, फिर 20 माइनस डी 20 गुणे डी बाई 100। इसको हल करेंगे, 20 से काटेंगे जाएगा 5 बार, ये 20 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस का 10। बराबर माइनस का 10 बराबर हो जाएगा हमारा, इधर माइनस इधर माइनस, माइनस का मन ले लेंगे, माइनस का डी प्लस डी बाई 5। ठीक है, माइनस इधर कट जाएगा तो 10 बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो हो जाएगा 5 × 6d। ठीक है, 6d/5, 6d, 6 × 10 को काटेंगे तो ये जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। डी बराबर हमारा हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 25/3%। ठीक है, डी बराबर हो जाएगा 25/3% का छूट दिया होगा। इसको और हल करें तो हो जाएगा 3×8 = 24, 8 = 1/3% की छूट। ठीक है, तो उस वस्तु पर क्या किया गया, पहले 20% दाम बढ़ाया गया, उसके बाद 8 = 1/3% की उस पर क्या कर दी गई, छूट दी गई। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न हम लोगों ने हल किया। ठीक है, इस प्रश्न में दिया क्या था, इस प्रश्न में दिया था कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था उसका उस पर 20% बढ़ा के उसका क्या अंकित मूल्य अंकित कर दिया गया, उसके बाद कुछ प्रतिशत की छूट दी गई, जिससे वस्तु के वस्तु को बेचने पे क्या हुआ 10% का लाभ हो जाता है। अब वृद्धि या कमी प्रतिशत, मतलब लाभ या हानि प्रतिशत यहाँ दिया था। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत दिया था, अगर यहाँ चाहे तो लिख दे लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत दिया गया है। यक्स का मान दिया गया है, डी का नहीं दिया, डी का पूछ रहा है, तो इसी पे फार्मूले पर हमने सॉल्व कर दिया। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, ठीक है, उसका जो अंकित मूल्य था उस पर 20% की छूट दी गई, मतलब डी दिया है, डी बराबर 20%। लाभ होता है, लाभ दे दिया है, लाभ बराबर 10%। ज्ञात कीजिए उस वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, यक्स कितना बढ़ाया गया, यही हमसे पूछ रहा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा यक्स माइनस डी माइनस एक्स डी बाई 100। लाभ या हानि प्रतिशत दिया कि 10% का लाभ हुआ तो 10% लिख देंगे, यक्स का मान यहां नहीं दिया तो यक्स की जगह यक्स ही रख देते हैं, डी का मान दिया है कि 20% 20 रख देंगे, माइनस एक्स डी, डी का मान 20 है तो 20 रख देते हैं। ठीक है, बाई 100, 20 से काटेंगे, 20 जाएगा 5 बार। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम 20 माइनस 20 को उधर ले आएंगे तो माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 20 10 30, 30 बराबर हो जाएगा हमारा यक्स माइनस यक्स बाई 5। इसको हल करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे, 5 हो जाएगा, तो यक्स यहाँ बटा 1 है तो ये हो जाएगा 5 यक्स, माइनस 5 का इसमें भाग जाएगा एक बार, 1 1
एक्स एक्स, तो मतलब हो जाएगा हमारा 30 बराबर 4xy 5। ठीक है, 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 जाएगा, ये जाएगा 15 बार, 15 का 5 से गुणा करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 75/2। ठीक है, 75/2, इसको और अगर हम हल्के 2 तो यही हो जाएगा 6, उसके बाद एक फैसला 2 7 14, 1/2। ठीक है, 37 सही, 1/2% उसका दाम क्या किया गया था, बढ़ाया गया। ठीक है, तो उसका दाम क्या हुआ, क्रय मूल्य पे 37 सही 1/2% बढ़ाया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न बने। ठीक है, उन तीनों प्रकार के प्रश्नों को हमने देखा, एक में यक्ष का मान नहीं दिया था, ठीक है, दूसरे में डी का मान नहीं दिया था, तीसरे में क्या है ये, मतलब एक प्रश्न में यक्ष का मान नहीं दिया, दूसरे में डी का मान, एक में ये नहीं दिया, मतलब किसी 2 का मान दिया गया था, एक का मान पूछा गया था। इस प्रकार के 3 प्रश्न इससे बनते हैं, तो तीनों प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अगला एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक दुकानदार 480 रुपए के अंकित मूल्य पर 60 रुपए की छूट देता है। एक दुकानदार क्या करता है कि कोई वस्तु थी उस पर अंकित था मूल्य 480 रुपए। ठीक है, 480 रुपया वस्तु पर अंकित था मूल्य, ठीक है, एमपी मार्क प्राइस जो था वो था 480 रुपया, इस पे ये डिस्काउंट दे देता है कितने का, 60 रुपए का। यदि वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया गया हो तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मतलब पहले ये निकाल लें कि उसने बेचा कितना, सेल कितने किया, एसपी यानी सेलिंग प्राइस इसका निकालेंगे तो जितना मार्क प्राइस था उसे डिस्काउंट घटा देंगे तो पता चल जाएगा व्यापारी ने कितने में बेचा, तो एसपी बराबर हमारा हो जाएगा 420 रुपये। ठीक, इतने में वस्तु बेची गई। अब प्रश्न के दूसरी लाइन में कह रहा है कि यदि वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया हो, मतलब जो उसका दाम अंकित किया गया था वो क्रय मूल्य से 20% बढ़ा दिया गया था, कहने का मतलब जो 480 रुपया है यह क्या है, सीपी का 120% है। ठीक है, क्योंकि 20% बढ़ाया गया तो 120% हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, उसका कास्ट प्राइस 20 × 5 = 120, 6 × 6 = 48, 48 = 80, तो सीपी हमारा निकल के आएगा 8 × 5 = 40, 400 रुपये। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि उस वस्तु का क्या था, कास्ट प्राइस 400 रुपये था, सेलिंग प्राइस क्या था, 420 रुपये था, तो उसे लाभ कितना हुआ ये पहले निकाल लें। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 420 − 400। ठीक है, अब हमारा निकल के आएगा 20 रुपए के क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये क्या है, प्रॉफिट है 20 रुपए, प्रॉफिट प्रतिशत निकाले, मतलब लाभ प्रतिशत जो होता है हमारा वो होता है प्रॉफिट बाई कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, प्रॉफिट है 20 रुपए की, दाम था 400 गुड़े 100, 20 से काटेंगे ये जाएगा 20 बार, फिर इसे काटेंगे ये जाएगा 5 बार, कहने का मतलब उसे पूरे व्यापार पे क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ। ठीक है, व्यापारी को पूरे व्यापार पे क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ। ये प्रश्न कैसे लगा, इस प्रश्न में 2 चीजें थी। ठीक है, 2 पहलू पे, पहले सबसे पहले उसके मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा के हमें सेलिंग प्राइस निकालना था, फिर उस सेलिंग प्राइस के आधार पे हमें उसका कास्ट प्राइस निकालना पड़ा, फिर कास्ट सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस हमने घटाया तो हमारा मिल गया क्या, लाभ मिल गया। ठीक है, लाभ मिल गया, फिर लाभ प्रतिशत हमने निकाल लिया, हमें पता चल गया कि इसमें 5% का इस पूरे व्यापार पे लाभ हुआ है। अब हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं, इससे हमारा क्या होगा, इससे संबंधित और भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% छूट पर 16,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, वो किसी बड़े दुकानदार के पास गया था। ठीक है, तो एक वस्तु को खरीदता है 20% की छूट पर, उसे 16,000 में मिल जाता है, और वह क्या करता है, उस तो 25% लाभ लेकर उस वस्तु को बेच देता है, ज्ञात कीजिए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो क्या है पूछ रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, वस्तु का वो अंकित मूल्य इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें देखते हैं कि जैसे यदि कोई वस्तु का अंकित मूल्य है, जो जब ये दुकानदार अपने बड़े वाले दुकानदार के पास पहुंचा था थोक
सेलर के पास पहुंचा था, तो वहां पे वस्तु का जो अंकित मूल्य था इसी पर इसने क्या किया, 20% का छूट प्राप्त किया। 20% का इसे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद यह वस्तु इसे कितने में मिल गई, 16,000 में। 16,000 में वस्तु मिल जाती है। अब कह रहा है कि इस वस्तु और 25% लाभ लेकर वस्तु को बेच देता है। अब क्या कह रहा है कि अब ये जो था ये दुकानदार इस वस्तु को 25% लाभ लेकर बेच देता है, ठीक, 25% लाभ लेकर ये किसी को बेच देता है। पूछ रहा है कि अंकित मूल्य उस वस्तु का कितना है, हमें यहां से पूछ रहा है इस चीज को, ठीक है। और ये फर्जी में दिया, इसका हमें अपने प्रश्न में कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि हमें वापस यहीं से यहीं जाना है भाई, कितने में बेचा कितने में नहीं बेचा उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो ये केवल प्रश्न को बड़ा करने के लिए दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये जो मार्केट प्राइस था जितने में होलसेलर ने इस दुकानदार को बेचा, ठीक है, इस जितने दाम पे बेचा, ये होलसेलर का क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन जो छोटा दुकानदार था यही 16,000 इसका क्या है, कास्ट प्राइस, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी कि जैसे मैं एक बड़ा दुकानदार हूँ, मैं जितने में बेचूंगा, ठीक है, ठीक, वो मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और सामने वाला जो छोटा दुकानदार होगा ग्राहक जो वही बस जितने जो खरीद रहा है वही दाम क्या हो जाएगा उसका, कास्ट प्राइस। एक ही दाम क्या होता है, एक लोग के लिए वो सेलिंग प्राइस होता है, दूसरे के लिए कास्ट प्राइस होता है। तो 16,000 क्या है, वो छोटे दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस है, बड़े दुकानदार के लिए क्या हो, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें यहाँ दिया गया है, ठीक है, और मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य यहाँ पूछ रहा है, ठीक, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य पर जितना प्रतिशत लाभ या हानि लिया जाए या दिया जाए उसी को हम उससे कम कर देते हैं। तो अंकित मूल्य क्या होता है, एमपी। अब इसमें यदि लाभ लिया गया है मतलब उस पे हमके अंकित मूल्य से और ज्यादा पे बेचा गया है तो 100 प्लस और ज्यादा जोड़ देंगे, लेकिन अगर अंकित मूल्य से कम छोड़ा गया, डिस्काउंट दिया गया है, तो जितना प्रतिशत डिस्काउंट देंगे उतना ही हम घटा देंगे। तो एमपी माइनस 100 माइनस डी, ठीक, बाई 100 कर देंगे, ठीक है। यह एक फार्मूला है जिसके आधार पर क्या करेंगे, हम किसी भी वस्तु की सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा कितने में बेचा है, सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पता है कि 16,000 रुपये की वस्तु बेची गई है, वस्तु बेची गई है 16,000 की। मार्केट प्राइस उसकी मतलब अंकित मार्क प्राइस उसकी कितनी थी हमें पता नहीं थी, उसकी आप हम एमपी रख देते हैं। अब कितने परसेंट की छूट दी गई, 20% की छूट दी गई, तो वस्तु कितने बिकेगी, 100 - 20 कर देंगे मतलब 80% पे बिकेगी, ठीक है, 80% पे बिकेगी। अगला स्टेप हो जाएगा 16,000 बराबर एमपी की जगह यही रख देंगे, 100 - 20 बराबर हो जाएगा 80/100। 20 से काटने के 4 बार जाएगा, 20 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 4 से 16,000 को काटेंगे तो ये जाएगा 4,000 हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस हमारा हो जाएगा 4,000 × 5 बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 20,000 रुपये। तो इस प्रश्न को हल करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं था, जैसे प्रश्न में कहा गया था ठीक है, हमें उसी प्रकार करना था। प्रश्न में कहा गया कि एक बड़ा दुकानदार था, एक छोटा दुकानदार था, वो बड़े दुकानदार के पास गया, उस वस्तु का जितना अंकित मूल्य था उससे 20% कम दाम पे वस्तु को खरीद के लेके आया। अब पूछ रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, तो उस वस्तु का जो भी अंकित मूल्य रहा हो उसी का 80% मतलब 20% का छूट दिया गया, तो 80% ही तो सेलिंग प्राइस है, तो अंकित मूल्य का हमने 80% निकाल लिया, तो आया 80% हमें दिया 16,000, तो उसकी उसी के आधार पर हमें अंकित मूल्य इसका पता चल गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दुकानदार लागत मूल्य का 10% विज्ञापन पे खर्च कर देता है, कोई भी वस्तु थी उस पर कुछ लागत लगा के उसने बनाया उस वस्तु को, उसके बाद उसका 10% क्या विज्ञापन पे खर्चा कर दिया, तो उसका लागत क्या हो गया, विज्ञापन का मूल्य भी उसमें जुड़ जाएगा। मान लेते हैं कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी, इस पे क्या हुआ 10% लागत लग गया,
तो 10% लागत का मतलब इसमें 10% दाम बढ़ा दो तो बस का कितने का हो गया, 110 रुपये। 110 रुपये क्या हो गया, बस की लागत मूल्य हो गए। और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर, ठीक है, 20% का लाभ कमाता है। अब उसके बाद इस पर क्या किया, उसने कुछ अंकित मूल्य कर दिया, ठीक है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य इसने कुछ अंकित कर दिया। इस अंकित मूल्य पर उसने क्या किया, 20% की छूट दे दी, मतलब 20% की छूट के मतलब वस्तु को 80% पे बेचा। 80% पे बेचने के बाद भी उसको क्या हुआ, 20% का लाभ हो गया, ठीक है, 20% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हो गया। तो ज्ञात कीजिए वह लागत मूल्य पे कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था, ठीक है, कितना अधिक मूल्य अंकित किया था। इसको साधारण भाषा में समझे कि जैसे मैंने कोई चीज बनाई 100 रुपए की, 10% मैंने क्या किया इस पे विज्ञापन पे खर्चा कर दिया, तो इसका दाम 10% बढ़ गया। कहने के मतलब वस्तु जो 100 रुपए की थी अब हो गई कितनी की, 110 रुपए। 110 रुपया इसका हो गया लागत मूल्य। अब क्या करेगा, अब मैं क्या करूंगा, इस पे कुछ दाम बढ़ा के इस पे लिख दूंगा, कुछ भी दाम, जो भी दाम बढ़ा के लिखूंगा वही हो जाएगा इसका अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया। अब इस अंकित मूल्य पर मैं क्या कर रहा हूँ, 20% की छूट दे रहा हूँ। कहने का मतलब अब इस सामान को मैं 20% कम दाम पे बेच रहा हूं, मतलब 80% पे बेच दूंगा। लेकिन 80% पे बेचने के बाद, 80% पे बेचने के बाद भी क्या होता है कि मुझे 10% का, 20% का लाभ हो जाता है। इतने दाम पर बेचने के बाद भी हमें क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है 20%, ठीक है, 20% का हमें क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस पर जो हमें लाभ मिला है, ठीक है, 110 क्या होगा लागत मूल्य, लागत मूल्य पर लाभ जोड़ के हम इसका निकाल लेंगे क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये जो लागत मूल्य है, ये जो लागत मूल्य है इस पर हम 20% लाभ जोड़ देंगे, क्योंकि पूरे व्यापार में 20% का लाभ हुआ ना, तो अगर 20% लाभ जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा कि मैंने इस सामान को कितने में बेचा है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस। फिर जब सेलिंग प्राइस हमें पता चलेगी तो हमें अब ये पता चलेगा कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का क्या है, 20% कम है, 20% इसका कम है, वही है सेलिंग प्राइस। तो इसको एक हम लोग हल करते हैं। तो वस्तु का जो लागत मूल्य था, वस्तु का जो लागत मूल्य था वो था 100 रुपये, विज्ञापन पे खर्चा हुआ कितना 10 रुपये का। अब टोटल लागत मूल्य कितना हो गया, 110 रुपये का। अब 110 रुपये की जो वस्तु थी जब उसे बेचा गया तो 20% का लाभ हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हमारी हो गई 110 का 120%, ठीक है, क्योंकि 20% का लाभ हुआ तो 120% निकाल लेंगे, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 12 से 11 में जो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 132 रुपये। कहने का मतलब वस्तु को 132 रुपये में बेचा गया, लेकिन जो 132 रुपये में बेचा गया वह क्या है, अंकित मूल्य का 80% है, क्योंकि उसे 20% छूट दिया गया था। तो कहने का मतलब 132 बराबर अंकित मूल्य मार्क प्राइस का 80%, क्योंकि 20% छूट दिया गया है। तो इसको हल करेंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे तो ये 4 जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब यहाँ मैं मार्क प्राइस हमारा पता चल जाएगा कितना हो गया हमारा, 33 का 5 में जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 165 रुपया। कहने का मतलब 100 रुपये की जो वस्तु थी 10 रुपया विज्ञापन खर्चा करने के बाद उसका जो अंकित मूल्य रखा गया 165 रुपया रखा गया, इस पे 20% का डिस्काउंट देके, 20% का डिस्काउंट देके कितने पे बेचा गया, 132 रुपये का बेच दिया गया था, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया गया था, ठीक है, कितने प्रतिशत ज्यादा मूल्य अंकित किया गया था। तो अधिक मूल्य कितना अंकित किया गया, मूल्य कितना था 100 रुपये की वस्तु थी, बढ़ा के कितना अंकित किया गया 65 रुपये, ठीक है, बढ़ा के कितना अंकित किया गया 65, क्योंकि कितना अंकित मार्केट प्राइस कितनी है,
165 रुपया। तो 165 माइनस 100 कर देंगे तो 65 रुपया इसमें बढ़ा के रखा गया। 65 रुपया कितने पे बढ़ा गया, 100 रुपये पे। 65/100 गुणे 100 काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 65% ज्यादा मूल्य अंकित किया गया। ठीक है, एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 600 रुपये है। इस पर 25%, 20% या 10% की कार्मिक छूट, ये हो जाएगा कार्मिक छूट पर बेचा जाता है, तो ज्ञात कीजिए कोई ग्राहक उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा। तो कहने का मतलब वस्तु था 600 रुपये का, ठीक है, उसे सबसे पहले 25% का छूट दिया गया, तो मतलब बेचा गया कितने पे, 75% का। फिर क्या किया गया, 20% की छूट दी गई, कहने मतलब बेचा गया कितने पे, 80% पे, 80 × 80/100 कर दो। फिर क्या है कि उसे फिर 10% की छूट दी गई, कहने मतलब अब उसको बेचा गया कितने पे, 90 × 90/100 कर दो। इसी को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात पता चल जाएगा कि वस्तु कितने में बेची गई। तो काटते हैं हम, ये 2 जीरो कट जाएंगे इसके, फिर काटेंगे तो 25 तिया जाएगा 75, 25 चौका 100, 4 फिर काटेंगे जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, इस 2 जीरो को इस 2 जीरो से काट देंगे, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा। अब हमारा आया 6 × 3 × 2 × 9, ठीक है, 6 × 3 = 18, 2 × 9 = 18, 18 × 18 करेंगे, 18 का वर्ग होता है 324 रुपये। तो वस्तु को ग्राहक ने कितने में खरीदा, 324 रुपये। कहने का मतलब जब कार्मिक छूट दी जाए, ठीक है, अंकित मूल्य दे दिया जाए, कार्मिक छूट पूछे जाए, जैसे कहा गया यहाँ 600 रुपये पे पहली बात 25% की छूट दी गई, तो हमने क्या किया था, 100 में से 25 घटा के 75/100 कर दिया। अगले में कहा गया 20% की, मान लो अगर 30 कहा जाता तो उसमें 100 में से 30 घटा देते, 70/100 कर देते। ठीक है, फिर 10% की अगर 20% कहा जाता तो 100 से 20 घटा के 80 पर। इस प्रकार कार्मिक छूट को हम लोग एक लाइन में रख के इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो कुछ और क्वेश्चन है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और यदि आपको अब भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, हम फिर से देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।